हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और सर्दी से बचे रहिए, और पुंजी की तरह मस्त सोते रहिए। देखो, कंबल में मस्त सो रही हैं। पुंजी, ए मेरी रानी बेटी, मेरी रानी बेटी। अरे देखो तो सुबह हो गई है भाई। अरे मेरी रानी बेटी को देखो, सुबह हो गई है। सबको गुड मॉर्निंग करो। देखो कैसे इनको नींद आ रही है। 4 बजे तो तुम उठ के हमें छत पे ले गई पोटी शुचू कराने। अब तुम सो रही हो मेरी नींद खराब करके। क्यों, उठो जल्दी उठो। देखो भैया अमरूद लेने गया है। अमरूद खाएगी क्या? चलो उठो 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 उठो, उठो। उठ जाओ उठ जाओ मेरी रानी, उठो उठो। हाय, चुन्नू कौन आवाज दे रहा है? अरे कौन? देखो इसे नींद कितनी आ रही है। सभी लोग कहते हैं बहुत मोटी है, बहुत मोटी हो गई है, इसको खाना कम। हाँ खाना तो कह दो, मैं कम खाती हूँ, क्या करूँ, मैं घूम नहीं पाती हूँ। घूमने की वजह से दोस्तों इसके दो पैर खराब हैं पीछे के, ये घूम नहीं पाती। खाना तो हम इसको ज़्यादा नहीं देते हैं। मोटे इसीलिए हो गई क्योंकि ये घूम नहीं पाती है। और आप लोग पसंद करते हैं पुंजी को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मेरी रानी को सभी पसंद करने लगे। मैं मोटी ज़रूर हूँ, क्या करूँ, मैं घूम नहीं पाती हूँ। बता दो पुंजी, उठो चलो उठो। देखो भैया क्या लाया है। कहाँ गया भैया? बाबू बाबू, भैया कहाँ गया भैया? बाबू भैया देखो बोल नहीं रहा है। अमरूद कहाँ है? अमरूद ला ला जल्दी, अमरूद काट के दे देना तो पंजी भी खाएगी। इतना छोटा सा, इतना छोटू छा, ये छोटू छा पंजी अमरूद खाएगी। अब कैसे तुम्हारी आंख खुल गई? अब उठो, उठ के बैठो। हाँ ऐसे उठो। ये देखो इनका कम्बल बेड, अब टांग फैला के बैठ गई। उठ जा उठो। काटोगे तब एक साथ खा लेगी क्या? ये खा लेगी एक बार में, खा जाएगी एक बार में खा जाएगी। है तो ज्यादा बड़ा नहीं। ये देखो देखो। अरे बिस्तर से तो उठ जाओ, उठ के खा लो। इसका बिस्तर ठीक करो भाई, इसका बिस्तर ठीक करो। अपना बिस्तर, खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो। देखो कितनी जल्दी मुंह में डाल लिया, कहीं ले ना ले ये लोग, कोई नहीं लेगा तुम्हारा। भैया चला गया, कोई नहीं लेगा। चलो ये देखो अमरूद तो खा रही हैं। दोस्तों इसके ये बचपन में ही दोनों पैर खराब हो गए थे पीछे के, इस वजह से ये चल नहीं पाती ज़्यादा, बहुत थोड़ा थोड़ा चलती है बस सहारा लेके, और इसीलिए थोड़ी सी मोटी हो गई है। कोशिश तो करती हूँ बहुत चलाने, लेकिन मेरा ऊपर का घर है इसलिए ज़्यादा नीचे नीचे रहते होते तो घूम लेती अपने आप। सो सो तीसरी मंजिल में रहने वाले तो ऐसा हो जाता है, इनको छत में ले जाती हूँ कि छत में थोड़ा घूमे, लेकिन पैर गड़बड़ है तो इनको ले भी नहीं जा सकते ज़्यादा, वहाँ भी नहीं घूमती हैं, बस थोड़ा सा घूमेंगे एक दो चक्कर फिर बैठ जाती हैं। देखो खा के फिर बैठ गई। उठो अब चलो उठो, सुबह हो गई है बहुत, सारा टाइम सोती रहती हो। उठो उठो, नहीं तो फिर दबा दूंगी तुम्हें। मैं दबा रही हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, उठो खड़िया, थोड़ा सा
से खड़े हुआ करो, खड़े हो, खड़े हो, देखो 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 भाई खड़े हो जाओ, देखो इनको खड़े होने में भी कितनी दिक्कत होती है, खड़े हो, खड़े हो, खड़े खड़े हो, हाँ ये देखो, अरे दे खड़े हो, खड़े हो, फिसल रही है, फिसलो नहीं, हाँ अब खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, दो खड़े हो, पुंजे खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, चलो मैं पकड़ो, चलो धूप में बैठो चल के, चलो चलो उठो उठो उठो, हाँ उठो बाहर चलते हैं, चलो ऐसे सामान संभाल के यहाँ बैठती रहेंगे, चलो बाहर चलो, उठो उठो, चार बजे से यहीं लेटी हैं, तब से उठी नहीं है, तुम्हारे जैसे जितने लैब्राडोर हैं सारे घूमते रहते हैं पीछे पीछे, तुम बस यहीं से पड़े पड़े देखती रहती हो, उठो 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 उठो, रुको रुको जाओ, मन सुनती नहीं हो बिल्कुल भी, जरा भी ताकत नहीं लगाती, चलो बाहर चलो धूप में, चलो वहाँ नहीं वहाँ नहीं धूप में, चलो खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो, दोस्तों ये देखो पेरिस के, देखो ये खड़े भी नहीं हो पा रही हैं, इस वजह से ये चल नहीं पाती हैं, तो इनको बड़ी दिक्कत होती है कैसे घुमाएं, मेरे मैं तो खुद ही थक जाती हूँ इनको उठाने ही में, है ना पुंजी, मैं तो खुद थक जाती हूँ, क्या करूँ तुम्हारा, दोस्तों से कह दो, दोस्तों हमारी चिंता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सभी लोग चिंता करते हैं, हम लोग भी करते हैं, लेकिन क्या करें हम नहीं घूम पाते हैं, मैं मोटू हो गई हूँ, चलने चल नहीं पाती इसलिए बहुत मोटी हो गई है दोस्तों, क्या करूं, अब तो हम कोशिश भी नहीं कर सकते क्योंकि ये पैर इसके ख़राब हैं पीछे के, तो मैं घुमा भी नहीं सकती, चलो दोस्तों बाय, बस मुझे आज ये बताना था, मैसेज किसी का कमेंट से आया था कि बहुत खाना देते हो, मैंने कहा खाना तो नहीं देती हूँ इसको ज़्यादा, हाँ बीच में पहले ये छोटी थी तब तो ये फिर भी खा लेती थी, अब तो भी इसको बहुत कम खाना देती हूँ, लेकिन ये इसके पैर ही गड़बड़ हो गए थे तभी, बचपन से ही हो गए थे, तो इस वजह से इनको ज़्यादा ये घूम फिर नहीं पाई, क्यों पुंजी, दोस्तों से कह दो मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ लेकिन क्या करूँ मैं घूम नहीं पाती हूँ, मेरे पैर में मेरे बहुत डांट पड़ती है घूमने के लिए, डांट पड़ती है क्या करूँ, सभी डांटते हैं घूमने के लिए, लेकिन मैंने दोस्तों और दूसरे लैब्राडोर देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, सभी घूमते रहते हैं इधर घुमाते रहते हैं, लेकिन ये नहीं घूम पाती हैं तो मुझे खुद बहुत बुरा लगता है, हम मैं कुछ कर नहीं सकती इनके, लेकिन इनका जीवन जब तक है मुझे करना पड़ेगा, इनका इनकी सेवा तो करनी पड़ेगी मुझे, पुंजी की हमारी सेवा करनी पड़ती है, दोस्तों से कह दो राधे राधे जय श्री राम, बोलो पुंजी कह दो जय श्री राम, देखो 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 गुच्छी गुच्छी बहुत होती है, कह दो जय श्री राम, जय श्री राम, अरे मेरी प्याली प्याली बच्ची है ये, बहुत प्याली प्याली बच्चा है मेरा, ये मेरा बहुत प्याला प्याला सा बच्चा है, कह दो अच्छा दोस्तों कह दो जय श्री राम बोल दो, कह दो बोल दो ऐसे बोलो, ऐसे बोलो,
और उधर को मुंह कहाँ कर रही हो? दुचे श्री राम, कल फिर मिलेंगे और फिर बातें करेंगे। दोस्तों के दो माफ करना, हम नहीं घूम पाते हैं और आप लोग